हे गाइज़, वेलकम है आप सभी का आपके अपने चैनल टेक बुक पे। मैं बहुत सारी वॉचेस आपके सामने लेके आया हूँ यहाँ पे, और ये सेल है सारी वॉचेस की, आप बाय कर सकते हो। नहीं गाइज़, सेल नहीं है यहाँ पे, मैं वीडियो बना रहा हूँ आप सभी के लिए। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपका अगर बजट बहुत कम है तो आप सर्कुलर डायल में खासकर कौन सी वॉच ले सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सर्कुलर डायल वाली वॉचेस पसंद आती हैं रैदर देन स्क्वायर डायल वाली। ठीक है, सारी की सारी वॉचेस की बेस्ट बिल्डिंग अपडेट कर दूंगा। मेरे पास यहाँ पे बोल्ट की भी है, फिटस्ट्रट की वॉच भी है, फायर बोल्ट की भी वॉच है, नॉइस की भी वॉच है, और अदर वॉचेस भी हैं, मतलब और कौन सी, डिजो की वॉच भी बता दूंगा मैं आपको। सर्कुलर डायल में तो कोई है नहीं मेरे ख्याल से जो आपको डिजो की वॉच मिले TFT पैनल के साथ कम प्राइस में, AMOLED डिस्प्ले वाली ही वॉचेस हैं। तो इस अलर्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे चैनल पे अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पे सबसे पहली जो वॉच है, सबसे कम प्राइस ब्रैकेट में जो फॉल करती है, वो है फायरबोल्ट की वॉच। अगर आप सबसे प्रीमियम वॉच चाहते हो तो यहाँ पे फायरबोल्ट की वॉच आती है, फिनिक्स। यस गाइस, फायरबोल्ट की फिनिक्स आप चूज़ कर सकते हो। यरी, ये है आपकी फायरबोल्ट की फिनिक्स। अब गाइज एक चीज़ और भी है, जैसे कि अगर आपको फिनिक्स से थोड़ी सी, मतलब इसी प्रीमियमनेस में आपको और थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले चाहिए, तो फिनिक्स प्रो के लिए जा सकते हो। फिनिक्स जो वॉच है आपकी, ये देख सकते हो यहाँ पे, बहुत ही अच्छी वॉच है। लास्ट मीडियम टू थिन स्क्रीन रिस्ट तक पे अच्छी चल जाती है, मतलब यस, स्क्रीन रिस्ट वाले भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे कैलकुलेटर नहीं मिलता, गेम्स मिल जाते हैं, डबल वुड चिप कॉस्ट मिलता है यहाँ पे, बट प्रीमियमनेस भर भर के इसमें है, कूट कूट के भरी हुई है यहाँ पे। मतलब स्टेनलेस स्टील ट्रायल मिलता है, डेडिकेटेड सेंसर के साथ ही वॉच आती है देखने में। और साथ में यहाँ पे जो प्राइसिंग है इसका, बहुत ही कम प्राइस ब्रैकेट में, under 2000 rupees के प्राइस ब्रैकेट में नंबर 1 पे रखता हूँ इस वॉच को, आप इसको चूज़ कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद कौन सी वॉच आती है, उसके बाद मैक्सिमम वॉचेस जो आती है ना under 2000 rupees के प्राइस ब्रैकेट में या 3000 में, उनमें आपको डबल वुड चिप का ऑप्शन मिलेगा, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहाँ पे 2000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में सेकंड जो वॉच मैं रखना चाहता हूँ यहाँ पे, फायरबोल्ट की वॉच है, बट थोड़ी सी यहाँ पे एक वॉच और आ जाती है यहाँ पे, फिटस्ट्रट की, जो है सैटर्न। यस गाइस, वॉच अच्छी है यहाँ पे, और सारे के सारे फीचर आपको इसमें से ही लिए गए हैं। ये जो है आपकी फायरबोल्ट की वॉच, ये है आपकी TOC 3, हाँ TOC 2 भी है, TOC अल्ट्रा भी है, तो TOC प्रो भी है बेसिकली। मैं आपको बताऊंगा अभी अंतर क्या है सब में। यहाँ पे इस तरीके से मिल जाता है, और वॉच अच्छी है ये। ये आपको under 2000 rupees के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रही है, 1799 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में। सेकंड नंबर पे रखता हूँ इस वॉच को, लास्ट मीडियम इसके लिए परफेक्ट है, बट थिन रिस्ट पे भी चल जाएगी, स्किन रिस्ट पे नहीं चल पाएगी, ध्यान रखना है। ठीक है, आपको 1.32 inches की आपको डिस्प्ले मिल जाती है इसमें, पॉलीकार्बोनेट बिल्ड है, यही इसका फ्लॉ है कहीं ना कहीं, इसलिए मैंने इसको नंबर 1 पे रखा। यहाँ पे पॉलीकार्बोनेट बिल्ड मिलता है पूरा का पूरा, तो यही इसका फ्लॉ है कहीं ना कहीं। ठीक है, सेकंड नंबर पे रखता हूँ इस वॉच को। उसके बाद जो है, मतलब और, मतलब आप चूज़ करना चाहते हो तो बोल्ट की भी वॉच आती है, बोल्ट में आपको आती है येरी, बोल्ट की स्ट्राइकर, बट बोल्ट की स्ट्राइकर को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता, उतनी अच्छी वॉच नहीं है ये, और लाउडनेस भी उतनी अच्छी नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे आपको गेम्स तो मिल जाते हैं, बट कैलकुलेटर का ऑप्शन नहीं मिलता, और डिस्प्ले क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी यहाँ पे। 1500 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में मैंने इसको बाय किया था, 1500 में ठीक है, बट अगर इसका प्राइस 1200 तक होता ना तो ज़्यादा बेटर था। इसको मैं रखता हूँ 3rd नंबर पे। ठीक है, अब गाइस आती है फायरबोल्ट की अदर वॉचेस जो हैं आपकी फायरबोल्ट की, जैसे कि TOC 3, ये फायरबोल्ट की है ना, नहीं हाँ ये फायरबोल्ट की है, TOC 3 से, ये रही TOC 3। TOC 3 जो वॉच है, ये आपको डेफिनेटली डबल ब्लूटूथ चिप के साथ मिलती है, ये भी आपको डबल ब्लूटूथ चिप के साथ मिलती है। ये कौन सी है, रेज कॉलिंग, फायरबोल्ट की रेज कॉलिंग आपको मुश्किल मिलेगी क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक चल रही है, ये भी वन ऑफ द बेस्ट वॉच है। ये आपकी TOC 3, TOC 3 में आपको इस तरीके का मेन्यू मिल जाता है, और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे, मतलब सबसे मेन बात है जो लोग चेक करते हैं वो है आपका यहाँ पे मोड चेंज करने का ऑप्शन, जो कि इसमें नहीं मिलता है, ना ही TOC प्रो मिलता है, ना ही TOC 3 मिलता है, ना ही TOC 2 मिलता है। इन सब में यही एक है प्रॉब्लम जो है कि यहाँ पे मोड चेंज करने का ऑप्शन मिलता है, रिंग वाइब्रेशन म्यूट का ऑप्शन नहीं मिलता। ठीक है, या तो आप रिंग पे कर सकते हो, या आप रिंग प्लस वाइब्रेशन पे कर सकते हो, रिंग पे या रिंग प्लस वाइब्रेशन, बट म्यूट करने का ऑप्शन नहीं मिलता, तो वो फ्लॉ है कहीं ना कहीं। बट ये भी आपको under 2000 rupees के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाती है, ये मैं रखता हूँ number 4th पे। आप चाहे तो TOC 3 भी बाय कर सकते हो, TOC 2 भी बाय कर सकते हो, या आप TOC अल्ट्रा भी बाय कर सकते हो, उसका भी प्राइस वही मेरे ख्याल से वही, मतलब 2000 रुपये तक के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब गाइस थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, और अदर कौन सी वॉच आती है यहाँ पे, अगर आप 3000 रुपये तक जा सकते हो तो 3000 रुपये में बहुत ही टॉप की वॉच बताता हूँ आप सभी को। 3 वॉचेस यहाँ पे फॉल करती है 3000 रुपये के प्राइस ब्रैकेट में, 5 वॉचेस हैं बेसिकली पूरी मिला के, 5। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले आती है वहाँ पे सिंगल ब्लूटूथ चिप के साथ, खासकर वो आती है BeatXP Vega X, क्योंकि उसमें आपको स्मूथनेस बेटर मिलती है। मैंने उसकी अनबॉक्सिंग रिव्यू करा, मैंने सेल कर दी एक्चुअली, अभी है नहीं मेरे पास, तो लुक और फील मैं आपको बताता हूँ कैसा मिलता है उसका आपको BeatXP Vega का। BeatXP Vega आपको इस तरीके से मिलती है, ठीक है, रोटेटिंग क्राउन मिल जाता है, और स्मूथनेस अच्छी मिलती है, कैलकुलेटर मिल जाता है, बट गेम्स नहीं मिलते उसमें आपको, लाउडनेस भी अच्छी मिलती है, तो वो आपको मिल जाती है under 3000 rupees के प्राइस ब्रैकेट में, 2999 सिंगल ब्लूटूथ चिप के साथ आती है, अच्छी वॉच है। ठीक है, स्मूथनेस बेटर लगी उसकी बहुत ही मेरे को। और उसके बाद मैं रखता हूँ
फिट शॉट की एस्ट्रो में क्या कि एमुलेट डिस्प्ले है, ऑब्वियसली बात है सिंगल ब्लूटूथ चिप के साथ वो बात जाती है, और साथ में वहाँ पे आपको गेम्स भी मिल जाते हैं, कैलकुलेटर भी देखने को मिल जाता है, तो वो उसमें बहुत अच्छी बात है। पीक ब्राइटनेस बहुत अच्छी 1000 nits की मिल जाती है, तो उसको रखता हूँ मैं सेकंड नंबर पे। थर्ड नंबर पे हमारे पास आती है, थर्ड नंबर पे कौन सी आती है, अगर आप बड़ी डिस्प्ले वाली वॉच चाहते हो तो ये वाली वॉच ले सकते हो, वैसे स्फीयर है, बट अगर आपको एमुलेट डिस्प्ले ही चाहिए तो यहाँ पे थर्ड नंबर पे रखता हूँ मैं अपोलो को। कमाल की वॉच है, under 3000 rupees के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिल रही है, इवन एटम से भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि एटम का जो प्राइस है 3799 चलता रहता है, बट यहाँ पे आपको इसका जो प्राइस मिलता है 2999 rupees, एक लूट डील मिल जाती है गाइस आपको। गेम्स मिल जाते हैं इसमें आपको, डबल ब्लू चिप का ऑप्शन है, यही थोड़ा सा फ्लॉ है, बट अगेन एमुलेट डिस्प्ले काफ़ी डीपर ब्लैक्स पंची कलर्स देखने को मिलते हैं, तो गाइस under 3000 rupees के प्राइस ब्रैकेट में मैं इसको रखता हूँ यहाँ पे थर्ड नंबर पे। फोर्थ नंबर पे हमारी कौन सी वॉच आती है, फोर्थ नंबर पे एमुलेट वाली अगेन आती है थंडर, बट अगेन ये थोड़ी सी पुरानी है, 1.32 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, 128 MB इंटरनल मेमोरी आती है, तो यहाँ पे आप सॉन्ग्स को स्टोर कर सकते हो, 15-16 सॉन्ग्स को डाल सकते हो इसमें आप वॉच में इटसेल्फ। अच्छी वॉच है और ये आपके लास्ट मीडियम के लिए परफेक्ट वॉच है, थिन डिस्प्ले चल सकती है, और ये भी आपकी लास्ट मीडियम के लिए परफेक्ट है, थिन डिस्प्ले नहीं चल पाएगी, 1.43 inches की डिस्प्ले, वैसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये तो आती है हमारी फोर्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे लास्टली आती है यहाँ पे बड़ी डिस्प्ले वाली वॉच ही आपको under 3000 rupees के प्राइस बैग में, तो यहाँ पे फायरबोल्ट की स्फीयर आ जाती है, बहुत ही कमाल की वॉच है, बट ये लार्ज के लिए परफेक्ट है, थिन डिस्प्ले नहीं अच्छी लगेगी, मीडियम डिस्प्ले भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि 1.6 इंचेस की बड़ी डिस्प्ले मिलती है इसमें आपको, सिंगल ब्लूटूथ चिप के साथ ही वॉच आती है, कमाल की वॉच है, रगेड बिल्ड मिल रहा है आपको, तो ये आती है हमारी लास्ट नंबर पे। तो गाइस मैं थक गया हूँ, फिलहाल मैंने सारी की सारी वॉचेस के बारे में आपको बता दिया, कंक्लूजन पे आते हैं वापस से। सबसे पहले फिनिक्स रखते हैं, बड़ी डिस्प्ले वाली वॉच है थोड़ी सी, मतलब कंक्लूजन है ये, कंक्लूजन में यही निकल के आया कि सबसे बड़ी सबसे बेस्ट वॉच under 2000 rupees के प्राइस ब्रैकेट में फायरबोल्ट की फिनिक्स, या आप थोड़ी बड़ी डिस्प्ले चाहिए फिनिक्स प्रो ले सकते हो, वह भी 2000 rupees के प्राइस ब्रैकेट मिलती है। सेकंड नंबर पे हम रखते हैं यहाँ पे फायरबोल्ट की ही अगर मैं चूज़ करूँ, या उससे अच्छी है आपकी, सेकंड नंबर पे आती है हमारी फिट शॉट की सैटर्न, अच्छी वॉच है गाइस, बट पॉलीकार्बोनेट बिल मिलता है, ये 1799 rupees के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलती है आपको, under 2000 rupees के प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती है। थर्ड नंबर पे हमारी आती है यहाँ पे या टॉक 2, टॉक 3, टॉक प्रो या टॉक अल्ट्रा, ये सारी वॉचेज आती हैं फॉल करती हैं, बट इसमें भी एक फ्लॉ है, मतलब टॉक 2, टॉक प्रो, टॉक अल्ट्रा आपको मोड चेंज करने का ऑप्शन नहीं मिलता, यहाँ पे रेंज कॉलिंग भी आती है, under 2000 rupees के प्राइस ब्रैकेट में फॉल करती हैं, फोर्थ नंबर पे ये वाली वॉच आती है। फिफ्थ नंबर पे यहाँ पे कौन सी वॉच रखूँ मैं, यहाँ पे बोल्ट की स्ट्राइकर को मैं नहीं रखूँगा, इसको हटाई देते हैं, क्योंकि यहाँ पे नहीं डिस्प्ले क्वालिटी अच्छी उतनी, और ये 1500 rupees के प्राइस ब्रैकेट में देखने को मिलती है, इसको साइड कर देते हैं फिलहाल, ठीक है। आगे आती है यहाँ पे 6th, 7th, 8th पे, यहाँ पे 6th पे हम रख देते हैं फिट शॉट की बीट एक्सपी वेगा एक्स को रखते हैं, 7th नंबर पे रख देते हैं हम फिट शॉट की एस्टर, 8th नंबर पे हम रख देते हैं यहाँ पे ये रही हमारी फायरबोल्ट की अपोलो, और 9th नंबर पे यहाँ पे रख देते हैं ये रही फायरबोल्ट की थंडर, और 10th नंबर पे लास्टली हम रख देते हैं यहाँ पे फायरबोल्ट की ही यहाँ पे जो स्फीयर है, ठीक है। तो यही था मेरा एक डीप डाउन अलर्ट वीडियो आप सभी के लिए, और आपकी कौन से रिस्ट पे बेटर लगेगी, मैंने सारी की सारी वॉचेस के बारे में बता दिया, सारी की सारी वॉचेस की बेस्ट बेलिंग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वैसे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इस सब वीडियो से बहुत सारा टाइम लगता है गाइस, बेल आइकन को ऑल कर दो, साथ में फॉर टेकबुक चैनल को टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय।